सादिकाबाद के इलाके टिल्लो बंगला गुलाब चौक पर मुमताज सीड कारपोरेशन की तरफ से किसान दोस्त प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सेल सेंटर खोला गया, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर मुमताज सीड कारपोरेशन चौधरी जाज बड़ाइश ने रिबन काट कर किया। इसके अलावा इफ्तिताही तकरीब में इलाके के मुअज्जज़ शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आशिक अली खोकर। जी आशिक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील सादिकाबाद के नवाई इलाके टिलू बंगला गुलाब चौक पर, जहाँ पर ममता सीड की तरफ से उनकी एक ब्रांच खोली गई है, जिसका नाम किसान दोस्त के नाम से मुतारफ़ करवाया गया है। मजीद हमारे साथ इनके ओनर मोहसिन चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मकसद है ये ब्रांच खोलने का। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ सीड का सीड इस्तेमाल करके मैंने 2019 में कपास की पैदावार में ज़िला रहीम यार खां में पहली पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में, और सन 2020 में इनका सीड इस्तेमाल करके गंदम के मुकाबलों में ज़िला में तीसरी पोजीशन हासिल की, जिसकी जो गवर्नमेंट ने मुझे पहली पोजीशन पर 3 लाख रुपया और तीसरी पोजीशन पर 1 लाख रुपया इनाम दिया। ये सारा दारोमदार बीज पर, उसकी क्वालिटी पर, उसके मियार पर था। मुझे अच्छा बीज मिला और मेरी फसल ने एवरेज दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुमताज सीड का, जिनकी वजह से मुझे इज़्ज़त मिली और आज हम उनकी वजह से यहाँ पर एक सेल सेंटर बनाने पर कामयाब हुए और इलाके के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद। ठीक है, उनको मियारी और क्वालिटी का बीज यहाँ पे उनकी दहलीज पर घर पे मिलेगा इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना कि मोहसिन सईद वड़ाइच का यही कहना था कि ये हमारे किसानों के लिए एक इनकलाबी कदम है, यहाँ पर किसानों को तमाम सीड्स जो बीज हैं वो दस्तियाब होंगे, जैसे वो फ़ायदा उठाएंगे, ऐसे ये होगा कि जो फसल की पैदावारी लागत है वो भी ज़्यादा होगी, ऐसे किसान खुशहाल होगा। जी।